लाखों बार गगरियां टूटी पर शिकन ना आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी पर चहल पहल वही है तट पर। तम की आयु बढ़ाने वालों सुन लो ठीक से, तम की आयु बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश ना पर उपवन नहीं मरा करता, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। स्वागत है आपका दोस्त कविता का शीर्षांश जो मैंने बताया आपको कि चाहे जितनी बार गलतियां, चाहे जितनी बार फेलियर हो पर टूटना नहीं है। वो क्या कह रहा है कि लाखों बार गगरियां टूटी पर शिकन ना आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी पर चहल पहल वही है तट पर। तम की आयु बढ़ाने वालों, तम का मतलब अंधेरा, तम की आयु बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, सुन लो, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। कोई कितना भी कोशिश कर ले, ये पतझड़ चाहे जितनी कोशिश कर ले ना, उपवन यानी बगीचे को मार नहीं सकते। ठीक, हिम्मत रहिए, आप बगीचे हैं, आप ही फलेंगे, आपके ऊपर ही फल लगेगा। हेलो, मेरा नाम है लालचंद, आपका अचलच के डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, और ज्योग्राफी की 7 क्लासेस पढ़ चुके हैं हम लोग, और एक क्लास हमने पूरा कर लिया है, एक चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आप लोगों ने जितने भी मेरा सब्सक्राइबर बेस था उन सभी बच्चों ने खूब देखा, आप लोगों ने देखा, डिमांड भी किया। पिछले 2 दिनों से वायरल फीवर होने के कारण क्लास नहीं ले पाया मैं आपसे, और इसके लिए मैं बहुत दुख, इस बात का मुझे कष्ट है, खेद है कि मैं क्लास नहीं ले पाया। स्वास्थ्य है, व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई थी कि क्लास नहीं ले पाया। असल में ऑफलाइन क्लास के भीड़, सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं पढ़ाता मैं, ऑनलाइन ही नहीं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी अपनी क्लासेस हैं, और ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई कि तबीयत आपकी, वो आप तक क्लास पहुँचाने के लिए मुझे बहुत रात रात तक जगना पड़ा, जिसके कारण स्वास्थ्य खराब हुआ और 2 दिन आपका क्लास डिले हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अगर बने हैं इसी तरह, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। आप अपना कल्याण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत आभार। 5 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं, 7 क्लासेस पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी के, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का क्लास पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रेगुलर क्लास जो चल रहा है वो क्वेश्चन से चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ चुके हैं, और आपसे आज से फिर एक सवाल, और एक सवाल के बाद आज के हम लोग टॉपिक पर आएंगे। आज का जो सवाल है, सवाल सुनिएगा, क्लास की शुरुआत में ही मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस सवाल जो इससे पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ वही पूछता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए, सवाल है, सवाल को आप ठीक से सुनेंगे, क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा एक राज्य है जो 3 राज्यों में विस्तृत है? यह सवाल है। ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 सुनेंगे आप लोग, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन नंबर 3 सुनेंगे आप लोग, क्या एक राज्य है जिसका नाम है दमन, यूटी है सब, दमन योम दीव, और एक आपको बताना है क्या पुदुचेरी। कमेंट बॉक्स में भर भर के उत्तर दीजिए आप लोग, इनमें से कौन सा एक राज्य है। आप कहोगे सर आपने पढ़ाया, जी, जो साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, 7 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, एक पूरी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ा चुका हूँ आपको, एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपको, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। ये सभी क्लासेस आपको अचलज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। कंप्लीट ज्योग्राफी की क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यूपीएससी प्री तक के सारे मैटर मैंने शामिल किए हैं उसमें, और ज्योग्राफी की ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि ज्योग्राफी आपकी समाप्त ना हो जाए।
और यूट्यूब की दुनिया में पूरी कंप्लीट सीरीज पहली बार आप फ्री पढ़ेंगे। कोई क्लास ज्योग्राफी के लिए या जीएस के किसी और पोर्शन के लिए आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं तो कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो बस यहीं ठहर जाइए, यहीं से आपका कल्याण होगा, यहाँ से आपका कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि आपके सपनों में मेरा सपना है। मेरा सपना ही है कि मैं किसी के सपने को पूरा कर पाऊँ, तो मैं यही करने उतरा हूँ आप तक, और मैं ये करके रहूँगा। अगर आप साथ रहेंगे तो ये करके रहूँगा मैं, आपको आपके सपने तक पहुँचाऊँगा, मुझे एहसास होगा कि मेरा सपना पूरा हुआ। ठीक है, तो ये रहा आज का सवाल। अब आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, और चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी की पूरी बेस है वही चैप्टर। अगर ये पढ़ लिया आप लोगों ने तो वन डे एग्जाम तक के सारे मैटर लगभग पढ़ लेंगे। बहुत इसके बाद बहुत छोटे चैप्टर पढ़ जाएंगे आपके पास, एक लंबा चौड़ा चैप्टर चलेगा ये आपका, जिसका नाम है भारत की भू आकृति। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास होगी वो क्या होगी, भारत की भू आकृति, भारत की भू आकृति, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, भारत की भू आकृति ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज की क्लास हम लोग का इसी पर है, भारत की भू आकृति पर आज हम लोग यही पढ़ेंगे। बे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत की भू आकृति। ठीक से देख लीजिए चैप्टर का नाम, अगर आप अंग्रेजी माध्यम में हैं तो इसको कहते हैं जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया, भारत की भू आकृति। बायलोंगल लिखने में दिक्कत इस बात की है, समय टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके कारण तो जो बच्चे अगर आप ऑनलाइन, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो इसको बोलते हैं जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही है, एकदम आराम से पढ़ना है और ठीक से पढ़ना है। वो दुनिया नहीं है जीएस के पास, आओ दो मिनट में सिखाता हूँ आपको भारत के प्रमुख दर्रे, नहीं, वो जीएस के जमाने नहीं रहे हैं कि अब दो मिनट में आप जीएस पढ़कर निकल लेंगे और पेपर में कर देंगे, नहीं, उसी में जाओगे फिर ऐसे मूड़ी हिला हिला कराओगे उसी में, ठीक है, अब वो नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक का जमाने वापस आ रहे हैं, सब कहते हैं कि टेक्स्ट बुक के जमाने जा रहे हैं, नहीं, अब टेक्स्ट बुक के जमाने वापस आ रहे हैं, लौटना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगी व्याख्या, सब्जेक्ट की सही व्याख्या पढ़नी पड़ेगी तभी सवाल कर पाओगे। अब वो रट्टा जमाना चला गया है, रटकर सवाल नहीं आएंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा चैप्टर का नाम क्या है, भारत की भू आकृति। एक बार मैं मैप बनाऊंगा, मैप पर आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जाने कि भारत की भू आकृति कैसी है। अभी उसको हम लोग 3D मैप पर भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कंटेंट का ये है, सबसे ज़रूरी ये है पढ़ने में कि मैप का सहारा लीजिए आप, और वो मैप आपके अपने हाथों का ड्रा हुआ हो, जब भी यकीन माने पढ़ने का सही तरीका यही है ज्योग्राफी पढ़ने का। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कंटेंट मिलेंगे आपको, लेकिन जो आप तैयार करेंगे, जो आपका अपना होगा ना, कहते हैं ना उधार में मिली हुई विरासत ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, वो कहते हैं ना कि मैं अपनी माटी से अपनी अपना विरासत पहचान कीजिए, थोड़ा हो पर आपका अपना हो, अपना, कोई बनाकर डिजिटल मैप दे दिया, कोई डिजिटल दे दिया, नहीं, आपका अपना भी बुद्धि होना चाहिए, आपकी अपनी भी मेहनत होनी चाहिए। जो अंपायर तुम अपने बल पे खड़ा करोगे ना, वो तुम्हें तुम्हारा पहचान देकर जाएगा। तो मेरी मानना ये है, मेरा मानना ये है कि आप जैसे भी हो आप इसको ड्रा कीजिए, और ड्रा करेंगे तभी आप एक परफेक्ट व्यक्ति, तभी आप परफेक्ट ज्योग्राफी सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मत देखिएगा कि कैसे बना, बस ये देखिएगा कि आपने बनाने का प्रयास किया कि नहीं किया, ये मत देखिएगा कि कैसे बनाया आपने, आपने बनाने का प्रयास किया कि नहीं किया, ये जरूरी है। चलो देखते हैं भारत की भू आकृति, देखते हैं, आपको ये आकृति देखना पड़ेगा, जैसे भी बने आपको बनाना ही पड़ेगा, देखिएगा ठीक से। हालांकि इसका मैं आपको ये भी इमेज दिखाऊंगा, जो यूट्यूब की दुनिया में चल रहा है मैं उसको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन जब आप इमेज का सहारा लेते हैं और आप अपनी विकलांगता साबित कर देंगे, ठीक है, आप अपने हाथों से डरे हुए चीज़ों को जब भी बनाएंगे। चलिए देखिए, ये है अपना प्यारा भारत। अब इस भारत की अगर आकृति की बात करें तो यहां से शुरू कीजिए आप,
यहाँ एक पर्वत है जिसे आप कहते हैं हिमालय, आप इसे नाम क्या देते हैं? हिमालय। ये क्या है? हिमालय। चलिए ठीक है बेटा, आप बताएंगे कि ये कौन सी रेखा है तो आप कहोगे, जो साथी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाले जो क्लास हैं, जो इससे पिछले क्लास हैं, वो सारे क्लास जाकर देख लें। तो आप कहोगे सर आपने बताया था ये कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। नीचे क्या है? तो आप कहोगे सर नीचे वाला भारत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। और ऊपर वाला भारत क्या है? उत्तर भारत है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत के सामान्य परिचय में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना, आप बोलो हाँ कर चुका हूँ, बिल्कुल सही है कर चुके हैं। तो ये है कर्क रेखा बेटा। इस हिमालय से एक नदी निकलेगी कुछ इस तरह और इसका नाम है गंगा, इधर जाएगी एक नदी जिसका नाम है सिंधु और इधर एक नदी आएगी जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। नदियां अपने साथ लाती हैं मिट्टी और जब नदियां अपने साथ मिट्टी लाती हैं तो यहाँ क्या छोड़ेंगी? तो यहाँ छोड़ेंगी क्या? यहाँ छोड़ेंगी मिट्टी। तो जब इस वाले एरिया में वो नदियां मिट्टी छोड़ेंगी तो ये क्षेत्र होगा मिट्टी छोड़ेंगी आप यहाँ पर, ध्यान से पूरी बात समझिएगा। यहाँ एक पर्वत मिलेगा आपको और इस पर्वत का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको अरावली, इस पर्वत का नाम मिलेगा आपको अरावली, अरावली। तो यहाँ एक पर्वत मिलेगा क्या बेटा? अरावली। पीछे कुछ विस्तृत मिलेगा आपको इसके, तो कहोगे सर इसके पीछे क्या विस्तृत मिलेगा? तो थार मरुस्थल मिलेगा इसके पीछे विस्तृत। क्या मिलेगा? थार मरुस्थल। ओके, इसके नीचे आओगे तो यहाँ मिलेगा आपको कर्नाटक का, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, बाघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब मिलेंगे पठार। चलिए तो अब आकृति की बात समझिए, आकृति की बात समझिए। ये जो आकृति बनी ये वाली, चलिए ये जो आकृति बनी है ये वाली दिखाई दे रहा, इस आकृति को आप क्या कहेंगे? हिमालय। या इसी आकृति को आप एक नाम से और जान सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करने का प्रयास करूं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहां पर, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले लेते हैं। इस चीज को इधर ले लेते हैं। चलो देखो, इसको ले लिया इधर, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ और एक एक आकृति को आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, तो अगर इस वाले आकृति की बात करें, अगर इस वाले आकृति की बात करें तो ये क्या मिलेगा आपको? तो भारत की भू आकृति कितने पार्टों में विभाजित है? तो भारत की भू आकृति एक चैप्टर एक मिलेगा क्या आपको? क्या मिलेगा आपको? उत्तर, उत्तर का पर्वतीय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश एक मिलेगा क्या आपको? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, एक आकृति यह मिल जाएगी आपको। यानी चाहे आप हिमालय का अध्ययन करेंगे चाहे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, इसके नीचे की एक आकृति मिलेगी आपको। उत्तर के हिमालय से नदियां निकलेंगी और नदियां निकलकर क्या छोड़ेंगी? मिट्टी। और जहां मिट्टी छोड़ेंगी जलोढ़, वहां बनेगा मैदान। और कर्क रेखा के ऊपर वाला भारत आप क्या कहते हैं? उत्तर भारत। तो यहां क्या मिलेगा आपको? दूसरी स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो दो आकृति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दिया भारत की भू आकृति में, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में आपको पढ़ना है हिमालय
और हिमालय से निकल कर जो निकल कर आएंगी नदियाँ, वो क्या बनाएंगी? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा स्ट्रक्चर आपको क्या पढ़ना है? कर्क रेखा के नीचे जो ये पठार है, तो आप तीसरा स्ट्रक्चर क्या कहेंगे आप? कि प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। कहोगे सर तीसरा स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आपने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया। बच्चे यहां से निकलेंगे क्या नदी? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये लेकर जाएंगी और यहां क्या छोड़ेंगी? यहां भी छोड़ेंगी मिट्टी। तो इधर क्या बनेगा? तो कहोगे सर इधर बनेगा तटीय मैदान। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। इधर कौन सा तटीय मैदान? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, समझ गए आप। इधर से नदियां निकल कर आएंगी। थोड़ा दूसरे कलर में दिखाता हूँ नदियों को, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, यहाँ जैसे इस वाली नदियों में। तो जो नदियाँ इधर गिरेंगी वो इधर क्या बनाएंगी? मैदान। इधर भी क्या बनाएंगी? मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बाद क्या बनेगा? तटीय मैदान। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। तो कहोगे सर जो चौथा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? वो होगा तटीय मैदान। क्या होगा? वो होगा तटीय मैदान। जी बिल्कुल सही पहचाना आप लोग, तटीय मैदान। अब अगर इसकी बात करें तो ये अरावली है। अरावली के पीछे क्या है? मरुस्थल। तो आप कहोगे सर पांचवा स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे? भारतीय, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। तो पांचवा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? भारतीय मरुस्थल। पांचवा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? भारतीय मरुस्थल। चलिए ठीक है, ये तो पांच स्ट्रक्चर हो गए। अभी कुछ और बाकी है बेटा भू आकृति में। यहाँ क्या फैला है? तो कहोगे सर अंडमान निकोबार। और यहाँ क्या फैला है? तो कहोगे सर लक्षद्वीप। ये क्या है? ये है लक्षद्वीप। और यहाँ क्या है? अंडमान एंड निकोबार। और ये क्या है? द्वीप समूह है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या पढ़ोगे? तो आप कहोगे सर क्या? भारतीय, भारतीय द्वीप समूह। क्या बताओगे बेटा? भारतीय द्वीप समूह। यानी भारत की आकृति में इतने पार्ट आपको क्या करने हैं? अध्ययन करने हैं। क्या क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ध्यान दीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ये वाला, ये है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की भू आकृति में, अब जरा इसको एक बार देखिएगा, इतनी आकृतियां आपको पढ़नी है। ठीक, देखिए, बेटा ये क्या है? हिमालय। तो यहां क्या लिखा हम लोगों ने? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये क्या लिखा? हिमालय। तो यहां क्या लिखा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, बीच में क्या निकली? नदियां। नदियां अपने साथ क्या लाई? मिट्टी। और नदियां अपने साथ मिट्टी लाई तो क्या बनाई? उत्तर का विशाल मैदान। बिल्कुल सही। ये जो हरे हरे पार्ट से बना, ये क्या बना? पठार। क्योंकि कर्क रेखा के नीचे का मामला है तो प्रायद्वीपीय पठार। तो क्या निकल कर आया? प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद आप प्रायद्वीपीय पठारों से नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर गईं और किधर गईं? अरब सागर की ओर। तो क्या बनाई? तटीय मैदान। अरावली के पीछे फैला है भारतीय मरुस्थल और ये क्या है? द्वीप समूह। तो कितने पार्ट हो गए भारत की भू आकृति में? भारत की भू आकृति में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश,
उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। मैं आशा कर सकता हूँ कि अब आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि जियोमार्फी रीजन ऑफ इंडिया में नॉर्थ माउंटेन्स एरिया या रीजन एरिया पढ़ना है आपको, नॉर्थ प्लेन पढ़ना है, पेनिनसुला पठार पढ़ना है, कोस्टल प्लेन पढ़ना है, इंडियन डेजर्ट पढ़ना है और आइलैंड ग्रुप पढ़ना है, भारतीय द्वीप समूह पढ़ना है। इतने स्ट्रक्चर आपको पढ़ने ही हैं, किस में? भारत के भू आकृति में। एक बार आप इसको फिर से देखिएगा, पूरे स्ट्रक्चर को, इस वाले को एक बार मैं इसको आपको फिर दिखाता हूं। अब जो आप लोग जानना चाहते हैं मैप पर, उस मैप पर इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए इसको, अब मैं आपको मैप पर दिखाता हूं इस चीज को। चलिए अब मैं इसको आपको मैप पर दिखाता हूं, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, ये है मैप। चलो देखो यहां क्या है, इसको देखो आप, ये क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बिल्कुल वही बात। ये क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो आप कहोगे जी सर ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जान लिया, समझ गए। चलिए एक बार मैं आपको इसको दिखाता हूं। चलो क्या लिखा है ये? हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसी को आप क्या कहेंगे? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये क्या लिखा है? उत्तर का विशाल मैदान। नीचे क्या लिखा है? प्रायद्वीपीय पठार। पूर्वी तटीय मैदान लिखा है, पश्चिमी तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल। क्या लिखा? और यहां क्या लिखा? द्वीप समूह। यहां क्या लिखा है? द्वीप समूह। तो एक बार इस मैप को आप ठीक से देखिए, ये लिखिए, क्या देखेंगे आप? कहोगे सर प्रायद्वीपीय पठार, जी बताया मैंने, उत्तर का विशाल मैदान, जी बताया मैंने, पर्वतीय क्षेत्र बताया, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, कैसे मैदान? तटीय मैदान, और क्या? द्वीप समूह। और क्या? द्वीप समूह। स्पष्ट हुआ? अब दोनों तरीके आपको बता दिए, आपको इमेज में भी दिखा दिया और आपको बनाकर भी दिखा दिया। मेरे हिसाब से आप इस डायग्राम को क्या करेंगे? बनाएंगे। अब अगर आप कॉपी पेन में नोट कर रहे हो, कॉपी पेन उठाओ या स्क्रीन शॉट लीजिए इसका, भारत की भू आकृति चैप्टर डालिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह पढ़ना है, किसमें? भारत के भू आकृति में। बेटा ये एक बात क्या हो गया? स्पष्ट हो गया, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो अगर यहां तक आप आ चुके हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इन सब में इन पांचों में आपको केवल चार चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इन पांचों में आपको चार ही चीज पढ़ना है। क्या? या तो पढ़ना है पर्वत, तो ध्यान दीजिएगा, इनमें आपको केवल चार ही चीज पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? या तो पर्वत पढ़ना है, पर्वत। तो भारत के 11% भाग पर पर्वत है, या फिर पढ़ना है आपको क्या? पहाड़ी। तो भारत के लगभग 18% भाग पर क्या है? पहाड़ी। क्योंकि भाई मरुस्थल और मैदान, चाहे तटीय मैदान कहें, बात एक ही है, मैदानी पढ़ना है। या तो पढ़ना है आपको क्या? पठार। लगभग 28% भाग पर भारत के क्या है? पठार। और या तो पढ़ना है आपको क्या? मैदान। और लगभग 43% भाग पर भारत के क्या है? मैदान। इन्हीं का अध्ययन आपको करना है। किसका? किसका? पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान का। तो अध्ययन करने के लिए विभाजन कितने पार्टों में है? 6।
लेकिन पढ़ना कितना है आपको? चार। तो यही आपको क्या करना है, अध्ययन भारत के 11% भाग पर। पर्वत तो ये है, क्या है, भारत की भू आकृति, भारत की भू आकृति पर पढ़ना है आपको यही चीज। क्या 11% भाग पर क्या पढ़ना है? पर्वत। 11% भाग पर पर्वत, 18% भाग पर पहाड़ी, 28% भाग पर पठार और 43% भाग पर क्या पढ़ना है? मैदान। क्या पढ़ने हैं दोस्त? मैदान पढ़ने हैं। अस्पष्ट है? अस्पष्ट है, एक बार फिर देख लीजिए। भारत की भू आकृति अध्ययन के दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित है? तो आप कहोगे कितने वर्गों में, ये कितने वर्गों में है अध्ययन के दृष्टि से? विभाजन। क्या है ये? विभाजन। किस दृष्टि से? अध्ययन के दृष्टि से। अध्ययन के दृष्टि से हमें यह पढ़ना है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह, इन सब में आपको क्या पढ़ना है? चार चीजें, पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप पूछना चाह रहे होंगे कि सर ये बताइए कि पर्वत, पहाड़ी और पठार में अंतर क्या है। ठीक है, तो वो अंतर मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। यहां हम एक लोग दूसरा बोर्ड लेंगे और पढ़ेंगे, यहां जानेंगे। पहले इस चीज को थोड़ा छोटा करेंगे, चलो इसको इधर करते हैं, इसको देखते हैं। यहां हम लोग एक बोर्ड लेंगे और ये एक बोर्ड अलग से लेंगे और देख लिए, देखिए इसको देखिए। अब आप लोग इस बोर्ड को हम लोग कर लेते हैं येलो, चलो ठीक है येलो कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग को जानना है कि पर्वत क्या होता है। तो पर्वत के लिए बेटा शर्त है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ठीक सुनिए बच्चे, अगर अगर बात समझिएगा, ये क्या होगा, अगर पीक है, अगर पीक पाया जाता है, यदि किसी उच्चावच उच्चावच भूमि में चोटी है, चोटी है यानी पीक है, शर्त है कि पीक है, अगर चोटी है, अगर वो पीक है तो दो ही चीज होगा, अगर वो पीक है तो दो ही चीज होगा, या तो होगा क्या, या तो होगा वो हिल्स, या तो होगा क्या, माउंटेन। यदि किसी उच्चावच भूमि में चोटी है तो या तो माउंटेन होगा या तो हिल्स होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो अगर बेटा हाइट, अगर हाइट 1000 मीटर से ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पर्वत। और यद हाइट 1000 मीटर से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, पहाड़ी। यानी पहाड़ी और पर्वत में डिफरेंस कैसे करोगे, माउंटेन और हिल्स में कैसे अंतर करोगे? तो अगर हाइट 1000 मीटर से ज्यादा है, तो क्या बताएंगे, वो क्या है, पर्वत। शर्त है लेकिन पीक होना चाहिए। और अगर हाइट 1000 मीटर से कम है तो क्या होगा, वो पहाड़ी। और बेटा यद ऊपरी पार्ट समतल है, यद ऊपर का पार्ट समतल है तो शर्त है फिर ये क्या होगा, पठार। तो फिर क्या होगा, ये पठार। और मैदान आप लोग भली भात जानते हैं,
मैदान को आप लोग भलीभांत जानते हैं। तो अगर पर्वत पहाड़ या पठार में अंतर करना है, अगर पर्वत पहाड़ या पठार में अंतर करना है तो उसका अंतर क्या होगा, ध्यान सुनिए। पर्वत 11% भाग पर भारत के क्या है, पर्वत। पहाड़ी कितने भाग पर, 18% भाग पर। पठार 28% भाग पर। मैदान कितने भाग पर, मैदान लगभग कितने भाग पर, 13% भाग पर। पर्वत और मैदान, पर्वत और पहाड़ी में, यानी पर्वत और पहाड़ी में अंतर कैसे करेंगे, शर्त है क्या होना चाहिए, चोटी, पीक होना चाहिए। पीक पाया जाए, साथ ही क्या होना चाहिए, अगर हाइट 1000 मीटर से ज्यादा, अगर हाइट 1000 मीटर से ज्यादा तो क्या पाया जाएगा, पर्वत। अगर हाइट 1000 मीटर से कम तो क्या, पहाड़ी। और अगर हाइट, ऊंचाई चाहे जितना हो तो पठार को कहते हैं मेज नुमा आकृति, मेज नुमा आकृति, टेबल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, किसे, पठार को। और ये एक बार सवाल पूछा गया पेपर में कि पेपर मेज नुमा आकृति क्या होता है, पठार होता है। हाइट से मतलब नहीं है, बस ऊपर का पार्ट क्या हो जाए, समतल, तो वो क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको स्पष्ट हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कराते हैं। भारत की भू आकृति का अध्ययन करना था हम लोग को। भारत की भू आकृति में अध्ययन के दृष्टि से हमने विभाजन किया, भारतीय द्वीप समूह में विभाजन किया, भारतीय मरुस्थल बनाया, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये तो विभाजन हो गया अध्ययन के दृष्टि से। यहां स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दिया। अगर भारत की भू आकृति में कितने चीजें स्थित हैं तो वो तो अध्ययन के दृष्टि से था, तो या तो उनमें पढ़ना है पर्वत, या तो पहाड़ी, या तो पठार, या तो मैदान, या तो क्या पढ़ना है, मैदान पढ़ना है। पर्वत 11% भाग पर लगभग पर्वत है भारत के, तो वो पढ़ लेना है। लगभग 18% भाग पर पठार है, पर्वत है, पहाड़ी है, तो पहाड़ी पढ़ लेना है। 28% भाग पर पठार है तो पठार पढ़ लेना है। 43% भाग पर मैदान है तो मैदान पढ़ लेना है। पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या है, तो आप कहोगे सर चोटी पानी जी पाई जानी चाहिए, ऐसे ऊंचाई वाले भूमि जिसमें चोटी पाई जाए। सही है, चोटी पाया जाएगा। अगर हाइट 1000 मीटर से ऊपर है तो क्या कह देंगे हम उसे, माउंटेन। और अगर हाइट 1000 मीटर से नीचे है तो क्या कह देंगे उसे, हिल्स। और हाइट चाहे जितना हो, ऊपर का पार्ट समतल, तो क्या कह देंगे उसे हम लोग, उसे क्या कह देंगे, पठार कह देंगे। और प्लेन भूमि क्या कहलाएगी, मैदान। प्लेन भूमि क्या कहलाएगी, मैदान। तो ये था भारत की भू आकृति के बारे में समान परिचय जो आपने जाना, कॉपी पर, ठीक ठाक कॉपी पर, एकदम विदाउट लून लाइनिंग वाले कॉपी पर। इसको एकदम से ऐसे उतारिए और उतार कर एकदम मस्त हो जाइए, एकदम टेंशन छोड़ दीजिए ज्योग्राफी का, आराम से एकदम। ज्योग्राफी में आपको कहीं से कोई समस्या होने वाली नहीं है, इसके लिए आप एकदम फ्री हो जाइएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्या कि भारत की भू आकृति तो हम लोगों ने जान लिया, तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, तो कहोगे सर पहला स्ट्रक्चर आपने बताया है क्या है, उत्तर का विशाल मैदान, सॉरी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। इन एक एक को पढ़ना है, तो सबसे पहले अध्ययन क्या करेंगे हम लोग, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आप ही बताएं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में कौन सा पर्वत, हिमालय पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी पर, पहला हेडिंग क्या, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, यही क्लास हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। एक बार फिर से लिखते हैं, क्या, उत्तर का
पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, यही पढ़ना है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसका अध्ययन हम लोग को करना है। तो आज की क्लास में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? हिमालय। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमालय। क्या पढ़ना है? हिमालय। लेकिन हिमालय पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर से देखिए, पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसमें कौन सा पर्वत पढ़ना है? हिमालय। और हिमालय में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिमालय की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिमालय की उत्पत्ति। चलिए आते हैं हिमालय की उत्पत्ति की ओर। चलो देखो क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसमें हिमालय पढ़ना है, हिमालय की उत्पत्ति, और हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत हैं कुछ। तो कौन से सिद्धांत हैं? तो आपको सिद्धांत पढ़ने हैं, पहला महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एकदम आप टेंशन छोड़ के पढ़िए, खुद बिना किसी टेंशन के। आपको फिर ज्योग्राफी आप किसी पेपर के लिए आप फिर नहीं पढ़ना है। क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके अलावा एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, एक सिद्धांत ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और एक सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, कोबर का भू सन्नति सिद्धांत। ये हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित तीन सिद्धांत हैं जिनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। हिमालय के उत्पत्ति, फिर से थोड़ा क्या पढ़ना था हम लोग को, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, हिमालय। ये देखो पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, हिमालय। तो भाई हिमालय पढ़ने से पहले, हिमालय पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि हिमालय बना कैसे है। ये पूरा एरिया जो आपको पढ़ना है ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि हिमालय बना कैसे है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो यहाँ मैंने वही आपको पढ़ाया है क्या, कि हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। क्या पढ़ना था बेटा, पहला टॉपिक क्या पढ़ना था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें कौन सी पर्वत पढ़ना था, हिमालय। तो हम लोग हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित क्या पढ़ना है, सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ना है। चलो अब आते हैं पहला सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है वेगनर, अल्फर्ट वेगनर, वेगनर 1912 में एक सिद्धांत दिया बेटा। पूरी सिद्धांत को आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आपको उसमें वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर ने दिया, इन्होंने किताब लिखा था महाद्वीप योम, महासागर की उत्पत्ति, उत्पत्ति। वेगनर महोदय ने 1912 में बेटा एक सिद्धांत दिया,
महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति एक किताब लिखी, उसी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। प्लेट ये जो है द वर्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन नामक एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा द कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी, द कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी। और कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी के आधार पर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे दुनिया का निर्माण हुआ है। तो पहले दुनिया का निर्माण होगा कि पहले हिमालय का निर्माण होगा? तो बहुत पीछे लेकर जा रहा हूँ आपको यार, पूरे जड़ तक बताने जा रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहा हूँ। आप पूरी स्पष्टीकरण लेकर जाइए हिमालय के बारे में, रट्टा मार कर मत जाइए यार, समझ कर जाइए। तीन सिद्धांत पढ़ाऊंगा और आपके दिमाग में एक फिगर बनकर उभर कर आएगा और आप किसी को समझा और बता पाएंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है? तो वेगनर महोदय ने एक किताब लिखी महाद्वीपीय विस्थापन, एक किताब लिखा द वर्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, यानी महाद्वीप और महासागर की क्या उत्पत्ति, और उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। किसने? वेगनर महोदय ने दिया। अब आइए जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था। चलो देख, तो एक बार आप इस इमेज को देखें, खुल जा भाई, देखो इसको, देखो आप इसको, देखिए आप, अगर 2D में बदल जाए तो गायब हो जाता है, 2D में बदलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बार फिर से 3D में लाते हैं, चलो फिर से लाते हैं। देखो, देखो आप, ये है महाद्वीप। अगर आप इसको थोड़ा ठीक से देखोगे तो इसको इसके साथ जोड़ो, जुड़ जाएगा। एक बार आप इसको ठीक से देखें, नहीं देखें तो अब इसको यहाँ देखें, एक मिनट रुकिएगा, अब इस पार्ट को देखो। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ने से पहले आज तक आपने एड्रेस में कभी गौर कीजिएगा, इस वाले पार्ट को इसके साथ जोड़ दो, जुड़ जाएगा कि नहीं? कहोगे सर एकदम जुड़ जाएगा, चलो इसको इसके साथ जोड़ दो, ये भी जुड़ जाएगा। ये जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे क्यों है? आप देखो, इनको जोड़ो, ये भी जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएगा कि नहीं? जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। चलो इसको जोड़ो, ये भी जुड़ जाएगा। ये तो अस्पष्ट है कि जुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे क्यों टूटे हैं भाई, ये ऐसे क्यों टूटे हैं? मैं आपको एक डेमो देता हूं, अगर मैं इस पेज को ऐसे फाड़ दूं और आपसे कहूं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के पार्ट कभी थे, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल थे, ये जोड़ दोगे आप, जुड़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? पार्ट। बिल्कुल सही बात है, जुड़ गया, पार्ट बन गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगर इसको तोड़ूं और कहूं अब इनको जोड़ो, तो आप कहोगे सर ये दूसरे के पार्ट नहीं थे, जाहिर है नहीं थे। और अगर मैं इनको तोड़ूं और आपसे बोलूं कि इनको जोड़ो, ये जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ के इससे जोड़ने का प्रयास करूं तो नहीं जुड़ेगा। मतलब साफ है कि ये इसमें हूबहू कब जुड़ेगा? जब ये इसका क्या रहा हो? पार्ट रहा हो। जब इसका क्या रहा हो? पार्ट रहा हो। तभी तो आप ध्यान दीजिए, इनके टूटने का क्रम ऐसा ही क्यों है? इनके टूटने का क्रम ऐसा ही क्यों है? इनके टूटने का क्रम कि जैसे ये है वैसे ये है, और इनको अगर जोड़ दूं तो ये जुड़ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही क्यों है कि जैसे ये है तो ये भी जुड़ जाएंगे? इसका मतलब कभी एक दूसरे के पार्ट थे, ये भी एक दूसरे के पार्ट थे। तो वेगनर ने क्या देखा? वेगनर ने देखा कि ये सबके सब आपस में क्या थे? जुड़े थे। तो वेगनर ने पहली बार देखा और उन्होंने बताया कि ये सबके सब आपस में क्या थे? जुड़े थे। तो जब ये सबके सब आपस में जुड़े थे, जब ये सबके सब एक ही पार्ट में जुड़े थे, तो वेगनर ने इसी को क्या नाम दिया? वेगनर ने इसी को नाम दिया क्या? पेंजिया। क्या नाम दिया इसे? पेंजिया नाम दिया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? यही वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो
अब इतनी बातें समझने के बाद आप जान गए होंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। वेगनर की माने तो जब सातों पार्ट आपस में जुड़े थे, मान लेते हैं पृथ्वी है, तो जब सातों आपस में जुड़े थे तो ये क्या था? तो कहोगे सर ये था क्या? पेंजिया। ये क्या था? ये था पेंजिया। ये था पेंजिया, पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर एक द्रव पदार्थ फैला था और इस द्रव पदार्थ का नाम था क्या था? तो आप कहोगे सर द्रव पदार्थ का नाम था पेंथा लासा, पेंथा लासा नाम था। यानी जब सातों महाद्वीप एक थे तब ये क्या था? पेंजिया। तब ये क्या था? पेंजिया। इस पेंजिया पे कुछ बल लग गए उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कौन सा बल लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। और दक्षिण की ओर भी कौन सा बल लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इधर भी लगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इधर की ओर लगा कौन सा बल? ज्वारीय बल। इधर लगा कौन सा बल? ज्वारीय बल। और इधर भी कौन सा बल लगा? ज्वारीय बल लगा, ज्वारीय बल लगा। तो भाई साहब जब इस पर यह बल लगे, तो जब इस पर यह बल लगे तो इसके साथ हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या हुआ? ये देखिए इधर तना है, इधर बल लगा हुआ है। अब ऐसे बल लगाओगे टूट गया ये, अब इस पर इधर बल लगाओगे टूट गया ये, टूट गया ना। तो आप अगर विश्वास नहीं हो तो अपने आप को करवा के देख लो, किसी को कहो कि वो तुम्हारा सर खींचे, कहो दोनों हाथ खींचे, और अगर बीच से फट नहीं गए तो कहना तुम। तो ये भी क्या हुआ, ये जो पैंथा लासा है इस पर एक बल लगा, इस पर जो बल लगा, इस पर लगा उत्प्लवन बल। उत्प्लवन बल कौन सा बल? उत्प्लवन बल। हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने उत्प्लवन बल क्या होता है। यहाँ बस हम लोग हिमालय के निर्माण जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बताया? वेगनर ने बताया कि जब सातों महाद्वीप एक थे तब ये क्या था? पेंजिया था। पेंजिया के उत्तर की ओर क्या लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। दक्षिण की ओर क्या लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। पूरब और पश्चिम क्या लगा? ज्वारीय बल। यह मैं आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना हम लोग अभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति, तो बहुत डिटेल नहीं। ध्यान सुनिएगा, हिमालय समझना कि हिमालय कैसे बना है। तो ये बातें आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब ये बीच से टूट गया तो इसका हुआ क्या? ये टूट गया। तो जब ये टूटा तो एक पार्ट ऊपर की ओर गया और एक पार्ट नीचे की ओर आ गया। जो पार्ट ऊपर की ओर गया ये कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसी को आप कहते हैं लारेंसिया, लारेंसिया। इसी को आप कहते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इनमें से किसी नाम से आ जाए यूरेशियन प्लेट। जो पार्ट नीचे की ओर आया इसी को आपने कहा क्या? गोंडवाना लैंड। ये बना क्या? गोंडवाना लैंड। इसी को कहा जाता है क्या? इंडिका प्लेट। तो यही क्या बना? इंडिका प्लेट। क्या बना भाई? इंडिका प्लेट। ये जो बीच में पानी था यहाँ आकर कुछ भर गया और बीच में एक सागर बना, और इस सागर को क्या कहा गया? तो आप कहोगे तैथिज सागर कहा गया। यहाँ क्या बना? तैथिज सागर बना। तो वेगनर के आधार पर क्या था? जब सातों महाद्वीप एक थे तब क्या था? पेंजिया था। पेंजिया के उत्तर और दक्षिण क्या लग गया? गुरुत्वाकर्षण बल। पूरब पश्चिम क्या लग गया? ज्वारीय बल। ये टूट गया दो भागों में, ऊपर गया एक अंगारा लैंड, नीचे आया क्या? गोंडवाना लैंड। बीच में आकर जल भर गया, क्या बना? तैथिज सागर। इस पर मैं आपको अभी 3D वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, ठीक है। तो ये बन गया बेटा। जब जब इसका विखंडन हुआ, जब अंगारा लैंड टूटा, जब अंगारा लैंड टूटा तब तीन महाद्वीप निकल कर आए। जब अंगारा लैंड टूटा तो तीन महाद्वीप निकले। एक निकला उत्तरी अमरीका, एक महाद्वीप निकला उत्तरी अमरीका महाद्वीप, एक महाद्वीप निकला उत्तरी अमरीका महाद्वीप,
एक क्या बना, उत्तरी अमेरिका, दूसरा क्या बना इसी से, यूरोप बना, यूरोप बना, और तीसरा क्या बना इसी से, एशिया बना। अब जब गोंडवाना लैंड टूटा, जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, तो चार महाद्वीप निकले। कौन कौन से? एक निकला दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और एक क्या निकला अफ्रीका, एक बना अफ्रीका, और एक क्या बना ऑस्ट्रेलिया, एक क्या बना दोस्त ऑस्ट्रेलिया, और अगला क्या बना अंटार्कटिका। क्या बना ये? अंटार्कटिका बना। क्या बना? अंटार्कटिका। तो ये था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसका सिद्धांत है ये? ये वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है ये? आप कहोगे सर ये है वेगनर, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है किसका? वेगनर का। कब दिया है? आप कहोगे सर इसे दिया है 1912 में। कब दिया है? 1912 में। यहाँ एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, पेंजिया। पेंजिया किस भाषा का शब्द है? तो आप बताओगे सर पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है पेंजिया, जिसका मतलब क्या होता है? सात बड़े भूखंड होता है। सात बड़े क्या होता है? भूखंड होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये जान लिया है कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। अब आपसे जाते जाते आज का एक सवाल है, हम लोग कल बनाएंगे हिमालय, लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि आज सर कह रहे हैं कि अंगारा लैंड से निकला है क्या यूरोप? अंगारा लैंड से क्या निकला है? तो आप कहोगे सर अंगारा लैंड से निकला है क्या उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड से क्या निकला है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कहोगे सर हमने तो पढ़ा है भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बिल्कुल सही पढ़ा है, इसका मतलब कुछ और अभी बाकी है। तो जो अगला एपिसोड बाकी है वो अगले क्लास में आइएगा और हम लोग जानेंगे कैसे भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा होते हुए एशिया में है, भारत कैसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा होते हुए एशिया में है, जबकि एशिया किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का है। खूब दबा के पढ़िए, खूब पढ़िए। अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो आप बहुत सही जगह जा चुके हैं। किसी भी प्रकार की मैं आपको जीएस में दिक्कत नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, बस आप हमारे साथ लगे रहिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक बार रिवीजन करते हैं। भारत की भू आकृति, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह, विभाजन के अध्ययन से। इनमें क्या पढ़ना था हम लोग को? उत्तर का पर्वतीय पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान, उनमें अंतर क्या, उनमें अंतर क्या है ये जान लिया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में हमको क्या पर्वत पढ़ना है? हिमालय, ये जान लिया। हिमालय से जुड़े हुए कितने सिद्धांत पढ़े हम लोग को? तीन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विधर्की सिद्धांत और कोबर का भूसन्न सिद्धांत। प्लेट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वो मैंने आपको बता दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपको बता दिया है, ठीक है। यहां तक बातें आज हो चुकी हैं। अगला हम लोग इस सवाल का उत्तर खोजेंगे क्या कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा होते हुए एशिया में कैसे है, ठीक है। तब तक आप जाते जाते एक बात सुनते जाइएगा, छोटे शहर सर, छोटे गांव से निकलकर बड़े दिल वाले लड़के बड़े शहरों में आए हो, समय से आए हो, समय से पढ़ना और समय से वापस लौट जाना, क्योंकि लौटना तो सबको है। समय से आना, समय से पढ़ना और समय से वापस लौट जाना, जैसे सुबह को निकला हुआ मजदूर और जानवर शाम तक अपने घर आ जाता है। क्योंकि लौटना सबको है, जो जहाँ के हैं, जो जहाँ से हैं, लौटना सबको है। इससे ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि लौटने की प्रक्रिया में यह देर किया तो पूरा पूरा कुछ लौट नहीं पाएगा। अगर इससे ज़्यादा देर किया तो पूरा पूरा कुछ लौट नहीं पाएगा, ना तुम पूरा पूरा लौट पाओगे, ना तुम पूरा पूरा रह पाओगे, अधूरे ही अधूरे रह जाओगे, ना पूरा पूरा सो पाओगे, ना पूरा पूरा जग पाओगे, अधूरे ही अधूरे रह जाओगे। मित्र, समय से आना,
समय से पढ़ना और समय से वापस लौट जाना। तो आज के लिए धन्यवाद। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, छोटों को प्यार, बड़ों को आदर दें, स्पर्श ऐसा रखें कि आपके आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षा महसूस हो, डर नहीं। तब तक के लिए आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका धन्यवाद।